हमारा बैंक जो इंस्टीट्यूट है ये पहला नहीं है। हेड ऑफिस इसका मकबरे मस्जिद में है और दूसरा जो है एमएसके मिल में है और तीसरा यहाँ पर पब्लिक की डिमांड पे यहाँ पर नईम सर ने स्टार्ट किया है। और जो यहाँ पर जो भी गरीब तबका है जो एफर्ड नहीं कर सकते, फी पे नहीं कर सकते, जो साहब दो साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना में हर कोई परेशान है, स्कूल की फीस तक पे नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर जो नईम सर और उनका जो मैनेजमेंट है जैन सर सब जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों के यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, मेहंदी डिज़ाइनिंग हो या टेलरिंग का हो और इसके अलावा दूसरे कई कोर्सेस भी हैं यहाँ पर कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग ऐसे वर्कर्स मैं इन लोगों को सराहना देना चाहता हूँ, हिम्मत देना चाहता हूँ, जो मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ ऐसे कई सोशल वर्कर्स रहते हैं, लेकिन हकीकत सोशल वर्कर है बोले तो इनको देना चाहता हूँ मेरे तरफ से। एक वोट मेरा हमेशा के लिए इनके साथ में रहेगा और मैं इनके साथ में रहूंगा। यहाँ पे सीखने के लिए सबसे बड़ा उम्दा काम है जो गरीबों की मदद है, जैसे कंप्यूटर क्लासेस है लेडीज के लिए स्पेशल, और ये लोग गरीब जो लड़कियां हैं, बेवा है, बच्चियां जो सीख नहीं सकते, टेलरिंग फ्री है इनके पास जो वेकेशंस के लिए, यहाँ से सीख के अपने घरों में एक छोटी मोटी रोटी रोजी भी शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ वार्ड नंबर 14 और 3 के बीच में जो आवाम है यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है इसका फायदा उठाइए और अपने अजबाब दोस्तों को सभी को सुनाइए, मेहमान खुसूसी अड़ोलत नगर में जो यहाँ बॉम्बे बंदूक वाले कांटे के पीछे जो है ये तीसरा ब्रांच है। ये लोग बहुत अरसे से फॉर्म की खिदमत कर रहे हैं, जैसा कि उसमें से एक मिसाल ये है कि कोई भी शादियों में खाना जब बचता है, अगर वो शादी वाले खुसूसन उनसे गुजारिश करते हैं भाई ये खाना बचा है आकर ले जाइए, वो लेकर आकर गरीबों में बांटते हैं। और अब वक्त के तकाजे को देखकर कंप्यूटर अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाने से लेकर एजुकेशन स्पोकन इंग्लिश से लेकर टेलर ट्रेनिंग से लेकर हर चीज़ की सहूलत दे रहे हैं ये लोग, तो नहायत ही उम्दा काम है जो कौम के लिए कर रहा है। अल्लाह उनकी जो है ना खिदमत को कबूल करे। मत रोटी और कपड़ा बैंक जो कि हमेशा से ही आवाम की खिदमत में लगा हुआ है, जिसका मेन ब्रांच नूरबाग में है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग और टेलर ट्रेनिंग और मेहंदी डिज़ाइन दीनी क्लासेस सिखाया जाता है। काफ़ी सारी लोगों से ये सुनने में आ रहा था कि उनको दूर होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक न्यू ब्रांच ओपन किया गया है। जो भी यहाँ पे सीखने के लिए आने वाले हैं प्लीज़ आइए, हम लोग ज्वाइन करके 2 साल हो गया है यहाँ पे। अगर जो भी घर पे लड़कियाँ बेकार बैठी हैं यहाँ पे मेहंदी कंप्यूटर और अपने अरबी तीनों भी सिखाते हैं हम लोग फ्री में और अच्छे से सिखाते हैं और हर एक लड़की को ध्यान लेके सिखाते हैं। और जो भी आना चाहते हैं प्लीज़ तहे दिल से मैं ये गुजारिश करती हूँ जो भी आना चाहते हैं प्लीज़ आइए। मोहम्मद रोटी एंड कपड़ा बैंक के मेम्बर्स हैं, आप लोगों की कोशिश तक हम यहाँ तक पहुँचे, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है। हमारे पास फर्स्ट एक नूरबाग में खाली सिर्फ कपड़ों का ही एक था, अब माशाल्लाह आपकी दुआ से आपके मदद से हम आज यहाँ तक पहुँची। तीन मोहम्मद रोटी एंड कपड़ा ब्रांच खुले हैं आपकी मदद से। आपको मैं एक गुजारिश करती हूँ कि आप हमारी हर कोशिश में कामयाबी में आप ही का हाथ है, आप लोगों का हाथ है, आप अब हम यहाँ तक जब पहुँचे हैं आपकी वजह से माशाल्लाह, आप बहुत बहुत शुक्र गुजारती हूँ आप लोगों का। और मेहरबानी आप इतनी मेहरबानी कीजिए आपकी दुआएं से इंशाल्लाह यहाँ से और 2 खुले मिल्लत नगर मस्की मिल नूरबाग, इंशाल्लाह पूरे गुलबर्गे में मोहम्मद रोटी एंड कपड़ा बैंक का ही नाम रहे। और आप सब अतिये हदिये वगैरह हर कोई कोशिश कर मदद करते हैं, रमज़ान में मदद करते हैं, घर पर आते तो उनकी मदद करते हैं, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और आप सबका और मेरे नईम सर और जो भी मेंबर्स हैं और हमारे सबसे बड़े हेड नईम सर उनका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि हम लोगों को कभी एहसास होने नहीं दिए कि हम बेवाया हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें कभी नौकर समझे नहीं ना हमारे को कुछ समझे। आज तक मैं एक ब्रांच में काम करने लगा 5-6 साल हुआ, आज तक मेरे को ये महसूस नहीं हुआ कि मैं एक औरत अकेली हूँ। मोहम्मद रोटी एंड कपड़ा बैंक के पूरे मेंबर्स और पूरे सर्स सब हर किसी कोई मदद करते हैं, और मेहंदी डिजाइन कंप्यूटर टेलरिंग हर किसी पे फ्री है, एक फीस को देने के लिए टेलरिंग की 300-300 रुपये है, यहाँ पर हर चीज़ फ्री मुहैया होती है आपको। यहाँ पे मिल्लत नगर में न्यू
रोटी कपड़ा मोहम्मद रोटी कपड़ा बैंक की जानिब से सेंटर खुला है। यहाँ पे दीनी तालीम और मेहंदी डिज़ाइन और टेलरिंग के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे मिलत नगर के लोग जो भी हैं, हर किसी के लिए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब के लिए यहाँ पे सेंटर खुला है और दीनी तालीम के लिए भी रखा गया है। आप सब से गुजारिश है कि यहाँ पर आके सीख सकते हैं। मोहम्मद रोटी एंड कपड़ा में बहुत बहुत वेलकम है। आप सभी यहाँ आए और आप भी दीनी तालीम, टेलरिंग, मेहंदी एंड कंप्यूटर भी रखा गया है, उसका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है। आप फ़ायदा उठा लें और उसके लिए बहुत अच्छा ही है। आपको जॉब भी लगाई जाएंगी इंशाल्लाह। मैं भी यहाँ पर सीख चुकी हूँ। 3 साल पहले मैं ज्वाइन करी थी और 3 साल से मैं ट्रेन में हो के आज मैं खुद सिखा रही हूँ यहाँ पे। आप सबको भी अपील है कि आप सब भी आए और यहाँ पे सीखे। आज वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 3 के दरमियान में एक मोहम्मद रोटी कपड़ा और मकान की एक ब्रांच की इफ्तिता अमल में आई। जनाब अली खान साहब वार्ड नंबर 14 कारपोरेटर और वार्ड नंबर 3 के कारपोरेटर जनाब हमीद साहब की हाथों से इसकी इफ्तिता अमल में आई। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 14 की अवामुन नास से इस बात की गुजारिश करते हों कि इस मोहम्मद रोटी कपड़ा और मकान की जिस तरह से इन लोगों ने इसे स्टार्ट किया है, इसका जो है ना भरपूर फ़ायदा उठाइए। और आप लोगों से इस बात की भी अपील है कि आपके मकानों में जो भी स्क्रैप निकलता है वो स्क्रैप आप जो है ना मोहम्मद रोटी कपड़ा और मकान को दीजिए, क्योंकि यही वजह से जो कपड़ा जो बैंक जो इनका चलता है यही आपकी जो है ना मदद से चलता है। तो अवामुन्नास से गुजारिश है कि आप वो जो है ना अपने पूरा जो भी स्क्रैप निकलता है, घर का कपड़ा हो चाहे लोहा हो कुछ भी हो, आप इन्हें डोनेट कीजिए। इंशाल्लाह ये अपनी खिदमत जारी रखेंगे इंशाल्लाह। We'll be right back.